Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. Hello students, तो आज के लेक्चर में मैं आपको पैरासिटिक कैस्ट्रेशन के बारे में पढ़ाने वाली हूँ. तो पैरासिटिक कैस्ट्रेशन क्या होता है ये जानने से पहले आपको ये जानना भी जरूरी है कि पैरासाइट क्या होता है. कैस्ट्रेशन के बारे में तो मैंने पहले भी बता रखा है, ठीक है. तो पैरासाइट के बारे में आज मैं बताती हूँ. पैरासाइट होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड हो. जैसे कि ये एक ऑर्गेनिज्म है और ये फूड और शेल्टर के लिए किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, पैरासाइट. इस ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे पैरासाइट. और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर पैरासाइट डिपेंडेंट होता है उसको हम बोलेंगे होस्ट, ठीक है. तो मैं इसका एक एग्जांपल भी दे देती हूँ जिससे आपको क्या है अच्छे से समझ में आ जाए कि पैरासाइट होते क्या. तो पैरासाइट का एक एग्जांपल क्या है, अमरबेल. अमरबेल को देखा होगा आपने. अमरबेल की जो स्टेम होती है उसके ऊपर इतनी ज़्यादा इरेक्टनेस नहीं होती कि वो खुद के ऊपर स्टैंड कर सके. तो इसीलिए वो जो दूसरे उसके आसपास कोई भी बड़ा पेड़ होगा उसकी उसकी जो स्टेम होगी उसके तरफ चारों तरफ राउंड राउंड करके वो ऊपर चढ़ जाएगी. और जो लीव्स होंगी प्लांट की उन लीव्स के ऊपर वो सारी ग्रोथ कर देगी. और जो भी सनलाइट है सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है वो, ठीक है. तो ये क्या है इसका एग्जांपल. तो जो अमरबेल होगी वो होस्ट प्लांट पे किसके लिए डिपेंडेंट होगी, शेल्टर के लिए, ओके. तो अब देखो पैरासिटिक कैस्ट्रेशन क्या होता है. पैरासिटिक कैस्ट्रेशन इट इज़ ए स्ट्रेटजी जिसके कारण कोई भी पैरासाइट क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है रिप्रोडक्शन ऑफ इट्स होस्ट. जिस भी होस्ट के ऊपर वो प्रेजेंट होगी उसका जो रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होगा या फिर रिप्रोडक्शन सिस्टम होगा उसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा. अब देखो जो पैरासाइट रिप्रोडक्शन को ब्लॉक कर देगा वो पार्शियली भी हो सकता है और कम्प्लीटली भी हो सकता है. ये दो टाइप का होता है. लेकिन जो पैरासाइट रिप्रोडक्शन को ब्लॉक करेगा वो खुद वो उसके खुद के बेनिफिट के लिए करेगा. अगर वो रिप्रोडक्शन को ब्लॉक कर देगा, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को ब्लॉक कर देगा तो उससे उसका क्या होगा, खुद का बेनिफिट होगा. अब देखो पैरासाइट का बेनिफिट कैसे हो सकता है, या तो वो फीड कर सकता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अलावा जैसे कि ओवा होता है या फिर स्पर्म्स होता है उन पे भी फीड कर सकता है. तो वहाँ से क्या करेगा, उसको भोजन मिलेगा, ठीक है. तो इसके एग्जांपल्स भी आपको दे देती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो सबसे पहला एग्जांपल क्या है, क्रैब में. पैरासिटिक कैस्ट्रेशन क्रैब में अंदर होता है और क्रैब में कौन क्यूज करता है, इसका कोसिंग एजेंट है सेक्युलिना कार्शिनी. तो जो सेक्युलिना कार्शिनी क्या है, साइंटिफिक नेम है, इसलिए मैंने इसको सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता. साइंटिफिक नेम्स में क्या होता है कि अगर कंप्यूटर में उनको टाइप किया जाता है तो इटैलिक्स में टाइप किया जाता है, लेकिन अगर हैंड रिटन हम उनको लिखते हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं. तो सबसे पहले ये क्या है, जीनस है सेक्युलिना, और कार्शिनी क्या है, स्पीसीज है. तो दोनों को अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है. और जीनस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है एंड कार्शिनी है उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा. स्पीसीज क्या होगी, हमेशा स्मॉल में लिखी होगी और जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा. अब ये जो सेक्युलिना कार्सिनी है ये क्या करता है, फीड कर देता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द होस्ट. होस्ट क्या है इसका, क्रैब है. तो क्रैब की जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर फीड करता है ये, ठीक है. तो इससे क्या कर देगा, वो पैरासिटिक कैस्ट्रेशन क्यूज कर देगा क्रैब के अंदर. कौन, सेक्युलिना कार्सिनी. अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल. तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हर्माफ्रोडाइटिक बार्निकल्स. हर्माफ्रोडाइट कौन होते हैं, सबसे पहले तो ये देखो. तो हर्माफ्रोडाइट वो होते हैं ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर मेल भी प्रेजेंट होगा और फीमेल भी प्रेजेंट होगा. मीन्स हर्माफ्रोडाइट कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बाइसेक्सुअल होते हैं, उनके अंदर मेल
और फीमेल दोनों के कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट समझ में आ गया। तो हर्माफ्रोडाइट जो बार्निकल्स होते हैं उनमें पैरासिटिक कैस्ट्रेशन कौन क्यूज करता है? क्यूजिंग एजेंट है इसका हेमियोनिस्कस बलानी। तो ये भी क्या है, साइंटिफिक नेम है, तो इसकी इसको भी मैंने सेपरेटली अंडरलाइन कर रखा है। हेमियोनिस्कस बलानी क्या करता है, जो उसका ओवेरियन फ्लूइड है, ओवरीज के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसके उसके ऊपर फीड करता है। तो इससे क्या होगा, जो ओवरी के अंदर फ्लूइड है, फ्लूइड को तो वो ईट कर जाएगा, तो इससे जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी होती है, हर्मेफ्रोडाइट था मतलब मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर्स थे, तो उसमें जो फीमेल के कैरेक्टर्स हैं उसकी एबिलिटी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, उसकी एबिलिटी लॉस्ट हो जाएगी, किसके, होस्ट की। लेकिन उसके अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो स्टिल फंक्शनल, वो अभी भी फंक्शनल होंगी, क्योंकि जो हेमियोनिस्कस बलानी है वो क्या करता है, सिर्फ ओवेरियन फ्लूइड को ईट करता है, बाकी किसी भी चीज़ पे कोई भी इफेक्ट नहीं करता, तो इसे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है वो लॉस्ट हो जाएगी एंड जो मेल रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है वो स्टिल फंक्शनल होगी। ठीक है, तो अभी भी मैंने दो एग्जांपल दिए हैं, तो एक तो क्रैब का दिया है, क्रैब में कौन क्यूज करता है, सेक्युलिना कार्शिनी एंड हर्माफ्रोडाइटिक बार्निकल्स में कौन क्यूज करता है, हेमियोनिस्कस बलानी। तो इन दोनों को जो पैरासिटिक कैस्ट्रेशन क्यूज करते हैं, इनको हम क्या करेंगे, पैरासिटिक कैस्ट्रेटर, जो कैस्ट्रेशन क्यूज करेंगे उनको बोलेंगे हम कैस्ट्रेटर। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आप सबको आज का जो छोटा सा टॉपिक मैंने करवाया है समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।